स्वागत है भाई आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से। आज हम आपको बताने वाले हैं 27 अगस्त के टॉप 10 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, 5 मिनट का वीडियो है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं जल्दी से। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया, सभी लोग देखिएगा, क्वेश्चन दिया गया, हाल ही में निम्न में से कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन SCO के रक्षा मंत्रियों की बैठक की मेज़बानी कर रहा है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए दिया गया किर्गिस्तान, बी दिया गया चीन, सी दिया गया भारत और डी दिया गया उज्बेकिस्तान। तो आपको राइट आंसर बताना है क्या सही हो जाएगा। सभी लोगों को राइट आंसर बताना है, याद रखिएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, उज्बेकिस्तान। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, उज्बेकिस्तान, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है आपका, हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी का निदेशक किसे नियुक्त किया गया? राजेश वर्मा, अरविंद सिंह, विजय कुमार, देवासिया मोहाती। आपको इसका राइट आंसर बताना है क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन डी, देवाशीषा मोहंती, सभी लोग याद रखना है सभी लोगों को। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के किस जिले में अमृता अस्पताल का उद्घाटन किया है? पंचकुला, गुरुग्राम, फरीदाबाद, झज्जर। आपको राइट आंसर बताना है इसका क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे, सभी लोगों को याद रखना है ऑप्शन सी हो जाएगा, फरीदाबाद। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, फरीदाबाद, सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी के निदेशक के रूप में हाल ही में किसे नियुक्त किया गया, आपसे ये पूछा गया है। ऑप्शन ए दिया गया चंद्रमा शाह, बी दिया गया देवाशीष मोहंती, सी दिया गया है डॉक्टर आला सिंह और डी दिया गया है डॉक्टर BM कटोर। आपको इसका राइट आंसर है बताना है क्या हो जाएगा, सभी लोग याद रखेंगे, देवाशीष मोहंती, अभी आपको बताया था, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सभी लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में विक्रम दोराईस्वामी को किस देश ने भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए दिया गया अमेरिका, बी दिया गया यूनाइटेड किंगडम, सी दिया गया जर्मनी और डी दिया गया स्विट्जरलैंड। आपको इसका राइट आंसर बताना है क्या सही हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, याद रखिएगा ऑप्शन बी हो जाएगा आपका, यूनाइटेड किंगडम, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में निम्न में से किसे 2022 के पुलिंजर पुरस्कार से चुना गया है, आपको ये बताना है किसे चुना गया है। ऑप्शन ए दिया गया है फहमीदा आजिम, बी दिया गया है निर्माता सिंह, सी दिया गया है मोहन कुमार और डी दिया गया है कुमार सुखदेव। आपको राइट आंसर बताना है, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, फहमीदा अजीम, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, हाल ही में किस देश ने हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ड्रोनों का दुनिया का पहला बेड़ा लॉन्च किया है? इटली, फ्रांस, जर्मनी, स्विट्जरलैंड। आपको राइट आंसर बताना है इसका क्या सही हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे, याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, जर्मनी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, जर्मनी, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा पर कैंसर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए दिया गया है मोहाली, बी दिया गया है भोपाल, सी दिया गया है उज्जैन और डी दिया गया है आपका जयपुर। आपको राइट आंसर बताना है, कैंसर हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया है, ऑप्शन ए हो जाएगा भाई, मोहाली, सभी लोग याद रखेंगे मोहाली। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है, भारत की पहली वाणिज्यिक अंतर्राष्ट्रीय स्थितिजन जागरूकता वेधशाला किस राज्य में स्थापित की जाएगी? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान। तो सभी लोग याद रखेंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उत्तराखंड। क्या हो जाएगा?
ऑप्शन सी सही हो जाएगा, उत्तराखंड सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है हाल ही में टाटा पावर के TPRMG ने हरित उद्यमियों का समर्थन करने के लिए किस बैंक के सहयोग किया है बताइएगा। आपको ये बताना है किस बैंक ने सहयोग किया है। ऑप्शन ए दिया गया है HDFC बैंक, ऑप्शन बी दिया गया है SIDBI बैंक, सी दिया गया है एक्सिस बैंक और डी दिया गया है UCO बैंक। तो आपको याद रखना है ऑप्शन बी सही हो जाएगा। क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव के रूप में किसे नामित किया गया है। आपको ये बताना है। ऑप्शन ए दिया गया अमित कुमार, बी दिया गया सोहन सिंह, सी दिया गया है आपका राजेश वर्मा और डी दिया गया मुकेश अग्रवाल। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, राजेश वर्मा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, राजेश वर्मा, सभी लोगों को याद रखना है। अगला और लास्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, हाल ही में 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। ऑप्शन ए दिया गया मदनजीत सिंह, बी दिया गया अरविंद कुमार, सी दिया गया एंजोला मार्केल और डी दिया गया मुकेश अग्रवाल। तो आपको याद रखना है 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार के लिए ऑप्शन सी हो जाएगा, एंजेला मार्केल को सम्मानित किया गया है। तो भाई ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। यदि आपको अच्छे लगे हो तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू।